सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीवान किचन। फ्रेंड्स, आज हम आपको मुकेरिया में लेकर आए हैं जहाँ पे हम अपना एक और प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। आप ये सारा एरिया देख सकते हो। और फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि मॉडुलर किचन के लिए हमें शेल्फ की जरूरत नहीं होती, जो हमारे बेस यूनिट होते हैं उनके ऊपर ही काउंटर टॉप एडजस्ट हो जाता है। एंड इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बरिंग के जो भी पॉइंट होते हैं वो भी हम ही आपको बताते हैं, बिकॉज जैसे जैसे यूनिट आएगा उसका स्पेस होता है उसी के अकॉर्डिंग ही सारा प्लान करना पड़ता है। एंड किचन में कौन सी टाइलिंग आएगी, कौन सा कलर आएगा, वो भी हम ही आपको सजेस्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माल किचन। फ्रेंड्स, हम आपको मुकेरिया में लेकर आए हैं जहाँ पे हमने अपना एक प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर लिया है। आप इसका एक लुकआउट कर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस किचन को हमने कैपेचिनो एक्रेलिक फिनिश के साथ बनाया है। एंड इस किचन को हमने बॉयलो के साथ बनाया है, जो कि टर्मराय रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट एंड फायर रेजिस्टेंट भी होता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपके लिए इस किचन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारा साउंडलेस सिंक है, जैसे नाम से ही क्लियर है, जब भी आप इसमें बर्तन रखोगे तो इसमें कोई ऐसे साउंड नहीं आता। एंड वनीला कलर का ये काउंटर टॉप है विद ग्लास पार्टिकल्स, जो कि लाइट के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं। बेस यूनिट में ये डिटर्जेंट होल्डर दिया है, यहाँ पे लिक्विड सोप वगैरह आप रख सकते हो। देन ऑटो लिड डस्टबिन है, जब भी आप शटर ओपन करते हो ये डस्टबिन बाहर आ जाता है, इसको ऑपरेट करना भी इजी रहता है। एंड क्लोज करते ही लिड लग जाता है। वेजिटेबल ट्रे, जिसमें आप अपने धुले बर्तन या फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। डिश रैक है आपके धुले हुए बर्तन रखने के लिए विद ड्रेन ट्रे, इसको कैसे ऑपरेट करना है मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है। कॉपर कलर की ये हैंडल है, जो कि प्रीमियम क्वालिटी के हैं एंड इस कलर के साथ ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ हमने आरओ के लिए प्रिज्म छोड़ा है। यहाँ एक ओपनेबल शटर के साथ हमने एक स्टोरेज दी है बॉक्सेस वगैरह रखने के लिए। पॉट एंड पैन यूनिट है विद परफोरेटेड स्टील बास्केट पार्टीशन के साथ, जहाँ जिसके नीचे होल्स होते हैं जो आपके सामान को वेंटिलेट करते हैं। सेम यहाँ थाली रखने के लिए रैक भी है। ग्रेन ट्रॉली आटा चावल वगैरह रखने के लिए। एस्क्लोजर, जिससे कि पूरा कॉर्नर ऑप्टिमाइज हो जाता है एंड एक शेल्फ 20-25 केजी ले लेती है। एंड क्लीन के बिहाफ से भी काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज जब सारा शेल्फ बाहर आ जाता है तो आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये एक हमारा ब्लाइंड कॉर्नर है विद एडजस्टेबल शेल्फ स्टोरेज के लिए। लिफ्ट अप है, वन साइड सॉलिड वन साइड ग्लास, जिसमें हमने हैफले के शोकर दिए हुए हैं। ग्लास साइड ये भी स्टोरेज के लिए है। देन बॉटल पुल आउट, स्पाइसेस एंड बॉटल्स वगैरह रखने के लिए। कुचीना का होब है ऑटो इग्निशन, बट इसको अभी सिलेंडर का कनेक्शन नहीं दिया हुआ। थ्री बर्नर का होब है, एक टाइम में आप थ्री डिशेस कुक कर सकते हैं। फर्स्ट रो फॉर पीवीसी कटलरी के साथ है, जिसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, आप अपने स्पून एंड स्पैचुला को अलग अलग सेक्शंस में रख सकते हैं। सेकेंड रो मल्टीपर्पज रो है, इसमें आप अपने स्पाइसेस के जार या अपने यूजेस के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट रो आपके बड़े बर्तन रखने के लिए विद प्लेट होल्डर, जिसमें आप अपने जिसको आप एडजस्ट करके
अपनी प्लेट इसमें रख सकते हैं। एक और ग्रीन ट्रॉली है आटा चावल वगैरह रखने के लिए। कुचीना की ही सेंसर ऑपरेटिंग चिमनी है बट अभी इसको भी कनेक्शन नहीं दिया हुआ। अनदर लिस्ट ऑफ मल्टीपर्पज यूजेस के लिए। साथ में ही यहाँ पे हमने एक टॉली रख दिया है। फाइव शेल्फ्स हैं इसमें, ड्रॉज है इसमें। पेफरेटर स्टील बास्केट के ही ड्रॉज हैं सॉफ्ट क्लोज बॉर्डरों के ऊपर। ये स्टोरेज की काफी अच्छी ऑप्शन है, इसमें आपका काफी सारा सामान आ जाता है। सो फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने इस किचन को एक्सप्लेन कर दिया है। अभी जो इस किचन के ओनर हैं उनको बुलाना चाहूंगी एंड उनसे इस किचन के रिव्यू लेते हैं। सर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी एंड जो आपने हमें बताया था, हमने उसके अकॉर्डिंग आपका किचन रेडी कर दिया है एंड इंस्टॉल कर दिया है। आपको इसमें मतलब जो आपने सोचा था उसी के अकॉर्डिंग है ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं आई? परेशानी कोई परेशानी नहीं। अगर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था? जो इस किचन के ओनर है आपने उनके भी रिव्यू सुने हैं एंड मैं आपको भी बार बार कहती हूँ, अगर आपके कोई कमेंट्स या सजेशन है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा हेड ऑफिस तलवार डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में है। हमारी तीन ब्रांचेज है, फर्स्ट कठुआ पंजाब में, सेकेंड हिमाचल प्रदेश पालमपुर आर एंटरप्राइजेस के नाम से एंड थर्ड दौलतपुर हिमाचल प्रदेश में। हमारी ऐसी ही न्यू वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। ऐसे ही न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।